हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये रूप चौदस की शाम की वीडियो, तो कपड़े वगैरह कुछ बचे थे तो मैं डाल दी हूँ यहाँ पे सूखने के लिए। यहाँ पे मैं सांझ बत्ती दे दी हूँ, यहाँ रखना भूल गई थी। और यहाँ बेटा लेकर के आया है, ये 6 कलर दिया को कलर करेंगे हम। ये इस तरह से है 6 कलर, और इसमें है हैंड ग्लव्स ताकि हाथ हमारी पेंट से बची रहे। ये है इस तरह से सर्जरी वाली, ये हैंड ग्लव्स। बना रही हूँ चाय, दूध और पानी डाल दी हूँ इस तरह से। और यहाँ देख सकते हैं कि मैं दिया जलाई हूँ, क्योंकि जहाँ पीने का पानी होता है वहाँ पे भी दीपक जलाते हैं। यहाँ पे मैं हरी इलायची ऐड की हूँ, थोड़ी सी अदरक भी ग्रेट करके डालूंगी अभी। जाने हैं राशन लाने के लिए, पूजा का सामान आना बाकी है, और दिया पेंट करने हैं। सोच रही हूँ इमली की थोड़ी चटनी बना लूँ, क्योंकि बनाऊंगी कल दही बड़े दीपावली के दिन। पोल की सब्जी, चना और आलू की सब्जी बनाऊंगी, काबली चना की। तो उसके साथ में देखती हूँ राधा वल्लभी बनाऊंगी। इलायची और अदरक जब डाल के बनाते हैं ना चाय, तो बहुत अच्छी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मैं एडिटिंग करते करते ही उठी हूँ, चाय पी लूंगी तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स लगेगा। एक तरफ देखती हूँ इमली को फुल निकली, डाल देती हूँ चटनी बनाऊंगी मीठी वाली। जितने देर में चाय होगी इमली भी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो जाएगी। वीडियो वगैरह मैं एडिट करूंगी तो चटनी बनाऊंगी। मसाले वगैरह डालने हैं डब्बे में भी, काम बहुत है आज। और दीपावली तो मैं कल ही मना रही हूँ, तो यहाँ है ये इमली, फ्रिज में रखी थी तो थोड़ी सी वो हो गई, जम गई है ठंडी की वजह से। ये इमली फूल जाएगी तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। चाय को बॉईल होने देती हूँ, फिर दिखाऊंगी चाय मेरी कैसी बनी है। तो चाय में देख सकते हैं कि अच्छे सी बॉईल आ चुकी है। बनाऊंगी कुंदरू की भुजिया, और इमली भी बॉईल हो चुकी है तो थोड़ी सी उसे मिक्स कर दूंगी अभी मैं। तो एक कप ये बेटे के लिए है, उसे भी पीनी है चाय। तो इसे चाकू से थोड़ा सा मैं घोल देती हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इमली। तो बॉइल हो चुकी है, इसे मैं करती हूँ गैस को बंद। यहाँ पे हमारी शाम की चाय बन करके रेडी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया मोटे वाली, मसाले डाल करके। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुकी है तो इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना, साथ ही इसमें ऐड करूँगी साबुत जीरा, और तड़के में ही डालूँगी मैं ये कसूरी मेथी, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्च और धनिया पत्ती कटी हुई वो भी ऐड करूँगी, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दी हूँ, इसे मिक्स करूँगी और थोड़ा सा
नमक डालूंगी और तड़के से ही ना इस भुजिया का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही इसमें ऐड करूँगी हल्दी। इसे एक डेढ़ मिनट भुनने के बाद इसमें धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल करके ढकते हुए इसे पकाऊंगी। यहाँ पे मैं धनिया जीरा पाउडर ऐड की हूँ, साथ ही किचन किंग मसाला ऐड कर दी हूँ। इसे ढकते हुए हम पका लेते हैं, उसके बाद फिर हाई फ्लेम में इसे भुनेंगे। यहाँ पे हमारी भुजिया बन चुकी है। तो गैस का फ्लेम करती हूँ बंद और इसे करती हूँ साइड। इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए मैं इमली का गूदा इस तरह से बना ली हूँ और इसमें मैं स्वादानुसार थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट थोड़ी सी। यहाँ पे मैं अंदाजे से ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून चीनी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी। साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पाउडर डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत सौंफ। इस तरह से इसे गाढ़ी होने देते हैं, पकने देते हैं। तो इसे हम मिक्स करते हैं ताकि चीनी भी घुल जाए, नमक से भी मिक्स हो जाए। अगर आपके पास में तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छी आएगी। और चीनी आप इतनी क्वांटिटी में आप ज़रूर से 4 टेबलस्पून डालिएगा। और 50 ग्राम्स के लगभग यहाँ पर थी इमली। तो कल बनाऊँगी दही बड़ा, तो इसलिए पहले ही मैं इमली की चटनी बना दी हूँ, क्योंकि इसके बिना फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसे मैं कढ़ा लेती हूँ और गाढ़ी सी एक इमली की चटनी बना लेती हूँ। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किशमिश और फिर काजू भी ऐड कर सकते हैं, मगजदाना भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल और प्लेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे चटनी अभी पक रही है, टाइम लगेगी थोड़ी सी पकने में। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना, तो फिर दही बड़े के ऊपर में डालने में सही रहेगी। और यहाँ पर बर्तन वगैरह भी सब कुछ धुल दी हूँ मैं, सिर्फ रोटियाँ बनानी है बस। यहाँ हमारी इमली की चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और ठंडी होने पे और ये गाढ़ी हो जाएगी, तो इसका फ्लेम मैं बंद करती हूँ। तो यहाँ पे डिनर निकल चुका है, हस्बैंड खा लिए, बेटा खा रहा है। और ये आई है मिक्स पिकल, तो ट्राई करती हूँ कैसी है। ये है गाजर, ये टॉप्स की है इस तरह से। खाना वगैरह खा चुके हैं, बर्तन सब धुल चुकी है और यहाँ पर मैं सूप कर दी हूँ। इसमें है उड़द दाल और इसमें है काबली चना। साथ ही यहाँ पर मैं दही जमने के लिए जोरन डाली हूँ, दही बड़े बनाऊँगी। चलिए करती हूँ पेंटिंग अभी। यहाँ पे दिया पेंट निकल चुका है पेंट करने के लिए, करते हैं पेंटिंग। सबसे पहले वाइट पेंट करेंगे। हैंड ग्लव्स पहन लिए जिससे हाथ वगैरह ख़राब ना हो और ब्रश ले लिए। तो सबसे पहले वाइट पेंट निकालते हैं और फटाफट से पेंटिंग करना शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी दिया है, देखिए ये मैं जमशेदपुर से लेकर के आई हूँ। यहाँ मैं मिट्टी वाले दिए वाले को दिखाऊंगी मुझे इस तरह का दिया ला दे, क्योंकि मंदिर वगैरह में ना इस तरह का दिया अच्छा लगता है कि जैसे जला करके छोड़ दिए। बड़े बड़ा दिया बहुत ज़्यादा बिग साइज़ लगता है।
करते हैं वाइट पेंट। ये दिया 10-15 मिनट में सारा पेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगी हुई है हैंड ग्लव्स। अगर हैंड ग्लव्स नहीं पहनती तो हाथ बचाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे पेंट करना पड़ता है सब तरफ देखते हुए। तो एक ही कोट लगाना है वाइट, उसके बाद फिर कलर जो हमें डालने हैं वो डालूँगी। चलिए एक दिया हो चुका है, इस तरह से पेपर पे रखेंगे। और ये है छोटी वाली दिया। दिया बनाया है कोई, उसे पेंट कर रहा है कोई, और ये दिया जलेगा किसी और के लिए। अचार के साथ में जो खाएगा खाएगा, उसके बाद नहा करके सबसे पहले फटाफट मार रहे हो। कितना छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा किया है, किया हमने दिया है आईडी का ब्रांड है, वो तो चल रहा है। लाना पड़ेगा तो वाइट पेंट वाला। तुम बोला वाइट पेंट बहुत है। है ना यार, घर पे रखा हुआ, निकाले हो कौन तो। हाँ तो जितना अभी भींगा हुआ दिया है सब सब इसको पेंट करो। तो यहाँ पे बेटा भी साथ में पेंट कर रहा है और हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से दिया पेंट हो चुका है, कुछ कुछ सूखा नहीं है, तो बाकी पेंट सुबह में होगा जो गोल्डन वगैरह ऊपर से लगाने हैं, और भी दिया पेंट होंगे। तो इसे अब सूखने देते हैं रात भर। इसे हम करेंगे बेड के अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर है सारी दिया। तो पेंट करते करते अभी 12:30 हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डे दीपावली के दिन। एडवांस आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।